रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ईद सईद के इन पुरबहार रहमतों बरकतों वाला दिन यानी आज ईद सईद ईद उल फितर का मुबारक दिन है। मैं सबसे पहले तमाम नाज़रीन कराम का इस प्रोग्राम रहमत रमज़ान में इस्तकबाल करता हूँ। अरे प्रोग्राम यानी बहार ईद, ईदुल यानी बहार ईद जो प्रोग्राम है, ये हम रहमत रमज़ान के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं नाज़रीन कराम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये प्रोग्राम रहमत रमज़ान रोज़ाना वक्त सहर वक्त इफ्तार आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और आपसे गुजारिश भी कर रहे थे कि हमारे प्रोग्राम देखने के साथ साथ अपने दोस्त व अहबाब को शेयर भी करें। उम्मीद है कि आप शेयर भी करे होंगे और बदलाए भी होंगे। तो इसी तरह नाज़रीन कराम, मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं आज इतना मुबारक दिन, इतना बरकतों वाला दिन, इतना सआदतों वाला दिन कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो मैं सबसे पहले हमारे तमाम नाज़रीन कराम को हमारी रहमत रमज़ान की जो पूरी टीम है, जो इब्तदाए रमज़ान था इंतहा रमज़ान आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहे थे, पूरी टीम के जानिब से और ATV के टीम के जानिब से मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उम्मीद है कि आप ये हमारा प्रोग्राम ईद के दिन देखते रहे। इसी तरह नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम रोज़ाना जब भी आ रहे थे तो मुख्तलिफ मौजूआत, मुख्तलिफ न्यू टॉपिक्स आपके लिए ला रहे थे। तो आज ईद का मौका है, तो ईद ही ईद सईद के मौके पर हम बहार ईद के नाम से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और मैं अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में दुआगो हूँ कि हमने जो माह रमज़ान मुबारक में जो इबादतें की हैं अल्लाह वो कबूल फरमाए, और जो रियाजतें की हैं अल्लाह वो कबूल फरमाए, और हम जो रोज़े रखे हैं उम्मीद है कि अल्लाह ये हमारे इबादतों को कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस प्रोग्राम में गुलबर्गा शरीफ, शहर गुलबर्गा शरीफ, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के एक मुअज्जज और बाअसर शख्सियत और रूहानी शख्सियत, जिनका ताल्लुक ख़ानदान ख़ान वादा जुनेदिया से है, और मैं समझता हूँ कि आप इतने शहर हिंदुस्तान में इतने बाअसर है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और इसके अलावा आप जो है ख़ान वादा जुनेदिया जो शहर गुलबर्गा शरीफ में बारगाह आलिया हज़रत शेख दखन अलैहि रहमतुर रिदवान के नाम से जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है, एक कदीम और एक अजीम है, उसी के आप सज्जादे नशीन हैं। मेरी मुराद अलहाज डॉक्टर शेख शाह अफजलुद्दीन जुनेदी अल मारूफ सिराज बाबा जान साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी क़िबला, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, और सबसे पहले मैं आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ मैं और मेरे नादरीन की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। इसी तरह नादरीन, आज के हमारे प्रोग्राम में एक और बहुत अच्छे आलिम दीन, बहुत अच्छी सोच रखने वाले, बहुत अच्छी फ़िक्र रखने वाले, जिनका अंदाज़ बयान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप एक दानिश्वर भी है, आप एक मुहक्किक भी है। मेरी मुलाकात प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब अकबर जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी ईद की मुबारकबाद मेरी और नाज़रीन की तरफ से। तो जैसे कि नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमारे इस प्रोग्राम में शहर गुलबर्गा शरीफ के मशहूर व मारूफ लोग तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह इनसे हम प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे ईद के मौके पर, जो कि आज के प्रोग्राम का पहला सवाल होगा कि देखिए माह रमज़ानुल मुबारक जो कि हमसे गुज़र चुका है, तो माह रमज़ानुल मुबारक में जो तब्दीलियाँ थी लोगों में, नमाज़ों में और इबादतों में, जिस तरह मसाजिद भरे भरे हुए थे और हम जो है रोड़ों पर देखते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, हर तरफ मुसलमानों का एक जो है काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमानों की चहल पहल थी, तो अब ये तब्दीलियां माह रमज़ान मुबारक में जो आई थी, ये तब्दीलियां सिर्फ माह रमज़ान मुबारक ही रहना चाहिए क्या? इसके बाद भी तब्दीलियाँ मुसलमानों में रहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम बहार रमज़ान के मुनासिबत से आपने हमें मदद किया, और ATV की वसादत से मैं तमाम नाज़रीन और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आपका सवाल हुआ कि रमज़ान में मुबारक जैसा बाबरकत महीना अभी अभी
اختتام پذیر ہوا، ہم عید الفطر کے دن یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا رمضان مبارک کا مدعا جو تھا، مقصود جو تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی سبحان اللہ۔ اس حوالے سے کہ رمضان مبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، جی بالکل، اس کا مقصود یہی ہے کہ انسان میں تقویٰ آ جائے، جی تقویٰ شعاری آ جائے۔ تو تقویٰ رمضان کا مقصود ہے، جی تو لہٰذا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، جی رمضان شریف جس طرح بندہ گزارتا ہے، رمضان شریف میں جس طرح وہ اللہ کی عبادت ریاضت میں گزارتا ہے، یا پھر وہ منتشر رمضان میں بھی رہتا ہے جس طرح دوسرے اوقات میں رہتا ہے، جی اس کے اثرات جو ہے تمام سال پر پڑتے ہیں، جی تو لہٰذا رمضان میں اگر وہ تقویٰ شعاری کی زندگی گزارے، تقویٰ حاصل کرے، جی اور تقوی کے بارے میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ جی کی آپ تشریح بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو، جی اور اللہ کی یاد اس طرح کرو کہ اس سے غافل نہ ہو، جی اور اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، جی یہ تقوی کی علامت انسان میں پیدا ہونا اور اس کے اثرات تمام سال انسان میں رہے، جی اور تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک میں جو روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جی اس روزے کی کیفیت دی، سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، جی جی تو اس کے تمام گناہ ما قبل کے گناہ معاف کر دیے گئے، سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس میں ایمان اور احتساب کا ذکر ہوا، جی احتساب یہ کیفیت جو ہے رمضان کے بعد بھی انسان میں یہ کیفیت اگر ہو، جی احتساب یعنی محاسبہ جو صوفی اکرام کے پاس خاص طریقہ کار رہا ہے، جی جیسا کہ پیرانے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا ارشاد ہے، جی کہ انسان کو ہر رات جی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جی اور پیرانے پیر کا ارشاد یہ ہے کہ تم اپنا حساب کرو، اس سے تمہارا حساب اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، اللہ تو روزانہ جو ہے اپنا احتساب بندہ کرے۔ تو لہٰذا ایمان اور احتساب کا ذکر ہوا ہے، جی اس کے علاوہ اس رمضان مبارک میں، رمضان مبارک کا جو تقویٰ حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، ایک کیفیت یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان جی کی جو کیفیت ہے، جی اس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے حدیث جبریل میں کہ الاحسان و ان تعبد اللہ کانلہ کا تراہ فعل تکن تراہ فعن و یرا کا، جی کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کیا جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ بہت، یا یہ کیفیت ہو کہ تمہاری کہ تم وہ مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو رمضان شریف میں روزے کے متعلق جی یہ آتا ہے کہ الصوم لی انا اجزی بھی، جی کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں، سبحان اللہ، سبحان، اور اس کی قرت اجزا بھی آیا ہے، جی کہ الصوم لی انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں، جی سبحان اللہ۔ کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی جزا عطا کرتا ہوں، جی جی دوسرے کا معنی یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا، سبحان، تو لہٰذا روزے کی کیفیت یہ ہے کہ کیفیت احسان مند میں آ جائے، جی ہر حال میں اللہ کی حضوری کا جو تصور جی رمضان شریف میں ہوتا ہے، جی غیر رمضان میں بھی یہی تصور رہے، جی تاکہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہے، جی تاکہ بندہ سیاہکاریوں سے محفوظ رہے، جی اور روزے کی جو کیفیت کہ یہ احسان کی جو کیفیت ہے سرکار نے جو بیان فرمائی، یہ عبادت کے لیے سرکار نے بیان کی، اور یہ کیفیت رمضان میں روزے کی حالت میں بدرج عدم بندے میں پائی جاتی ہے، جی بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، جی اور روزے کی حالت میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہر آن اس کے ذہن و تصور میں یہ شے چلتے رہتی ہے کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، جی جی بے شک احسان کی جو دوسری کیفیت ہے، جی کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت میں اگر دوام آ گئے جی آ جائے، اگر ہمیشگی آ جائے جی تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، سبحان اللہ، زندگی صالح ہو جائے گی، صالحیت کی طرف زندگی آ جائے گی، جی
तो लिहाजा ये कैफियत हम में आना ज़रूरी है। रमज़ान यही पैगाम अता करता है कि एहतसाब मुहासिबा करें हमेशा अपना जी, और साथ में कैफियत एहसान अपने अंदर पैदा करें जी। जैसा कि हजरत सैयद ताइफा रसूल कौम हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जी 6 साल की उम्र की ये कैफियत थी जी। और आपको अपने मामू जान की तरफ से जो वजीफ़ा जो विर्द अता किया गया था कि अल्लाह हाजिरी अल्लाह नाजरी अल्लाह माई जी, ये कैफियत रमज़ान मुबारक में बंदा शुरू की राह में जो है कई कई साल गुजर जाते हैं जी, 10-10, 12-12 साल तक लोग मुजाहदात करते हैं, उसके बाद कैफियत हुजूरी बंदे को हासिल होती है। लेकिन अल्लाह का अल्लाह की शान देखिए, रमज़ान मुबारक में ऐसा अल्लाह का फजल होता है और अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाता है बंदे पर कि वो कैफियत बंदे को जो 12-12 साल के बाद अता होती है हुजूरी की कैफियत, वो बंदे को अता कर देता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो वो कैफियत के बारे में हजरत जुनैद बगदादी का जो वजीफ़ा था कि अल्लाह हाजिरी अल्लाह हाजिर है जी, अल्लाह नाजरी अल्लाह मुझे देख रहा है जी जी, अल्लाह माई अल्लाह मेरे साथ है जी, ये जो कैफियत है हर रोज़ेदार पर तारी रहती है जी। सुभानअल्लाह मुबारक। तो मेरा बोलने का मकसद व मंशा यही है कि तख्वे का उसूल, परहेजगारी का उसूल, एहतसाब करने से, मुहासिबा करने से, और साथ साथ कैफियत एहसान बंदे पर तारी रहे जी। हुजूरी की जो कैफियत है, अल्लाह ताला की हुजूरी की कैफियत, अल्लाह की माहियत की कैफियत जी, अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जहाँ कहीं देखो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के जलवे हैं। वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, कि वो तुम्हारे साथ, तुम जहाँ कहीं रहो वो तुम्हारे साथ है। ये कैफियत जो है रमज़ान मुबारक में रोज़े में ख़ास बंदे को हासिल होती है। इसीलिए सुलूक की राह में रोज़े की बड़ी अहमियत है जी, रोज़े की बड़ी अहमियत है। इसके बारे में फिर हजरत जुनैद बगदादी का इरशाद है कि रोज़ा आदि तरीक़त है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। रोज़ा आदि तरीक़त है, बहुत रोज़ा अगर बंदा रख ले तो वह आदि तरीक़त के मराहल तय कर दिया। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक का जो आज के दौर में जो माहौल चल रहा है, जो 29 शाबान को जो कैफियत हमारी होती है, हम 1 शवाल को वही कैफियत हमारी होती है, क्योंकि हम जो रोज़े और रमज़ान के तकाज़े हैं जी, जो परहेजगारियाँ अल्लाह ने बताई हैं, अल्लाह के रसूल ने बताई हैं, जिस तरीक़े से रोज़ा और रमज़ान को गुजारना था, अगर ना गुजारें तो इब्तिदा में जो कैफियत है इंतहा में भी वही कैफियत रहेगी। लेकिन बुजुर्गान दीन औलिया इकराम जो है रमज़ान को बिल्कुल तख्वा शाहरी के साथ अल्लाह की हुजूरी का तस्वर करते हुए गुजारते थे। यही वजह थी कि वो शब कदर जैसी रात को वो पा लेते थे, लैलतुल कदर उन्हें मैसर आ जाती थी जी जी। क्योंकि वो लोग ही मुस्तहिक हैं लैलतुल कदर के, और उनकी कैफियत ये होती है कि उनकी हर रात शब कदर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रात शब कदर हो जाती है। बहुत बहुत लिहाजा मैं ये पैगाम देता हूँ कि रमज़ान हमें जो पैगाम देता है कि हर रात हम मुहासिबा करें जी, दिन में कितनी फरमाबरदारियाँ किए, कितनी नाफरमानी किए, क्या क्या फ़रज व नवाफिल हम अदा किए, ये मुहासिबा करें। कुछ गुनाह हुए तो तौबा व इस्तग़फ़ार करें जी, करके रोज़ाना अगर हम अपना हिसाब करते जाएँ वहाँ हिसाब देने में आसानी होगी। तो लिहाजा रमज़ान से एहतसाब मुहासिबा, और उसके बाद अल्लाह की हुज़ूरी की कैफियत, और तक़वा शारी का जो पैगाम है रमज़ान मुबारक की अज़ीम शान महीने से हम अता होता है। मैं डॉक्टर साहब, इस हवाले से जैसे कि अभी क़िबला ने फरमाया कि बंदा किस हालत में रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए राय, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए आप भी कुछ गुफ्तगु फरमा दें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं भी सबसे पहले इस ATV के अरबाब हल्लो अक्द का शुक्र अदा करना चाहूँगा जी, कि उन्होंने मौके को गनीमत जानकर जी ये प्रोग्राम शुरू किया है, और यकीनन इसका पैगाम बहुत दूर दूर तक जो है पहुंच रहा है जी। जैसा कि शहज़ादा जुनैद बगदादी डॉक्टर शेख अब्दुलद्दीन जुनैदी ने फरमाया जी कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा जी आदमी को और आदमी के ख़ल्ब को जी मुसफ़ा और मुज़क्का बना देता है जी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो मैं भी इस हवाले से इस्तफादा करते हुए अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि खद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खद अफलहा मन तज़क्का जी, वो कामयाबी की मंजिल को पहुँच गया जिसने अपने आप को
शफाफ बना दिया जी, यानी इसमें तज़क्का का जो लफ्ज़ है वो तस्किए की तरफ इशारा करता है जी। आदमी अपने नफ्स के ताबे बहुत सारे ऐसे काम करता है जी जी जो अल्लाह को और उसके रसूल को नाराज़ करने वाले होते हैं। अल्लाह तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने करम से जी हबीब पाक के सदक़े में रमज़ान शरीफ का एक ऐसा मुबारक महीना अता किया है जी कि जिसमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोज़े के बदले इतना सवाब दिया जाता है कि उसका हिसाब हमारे एतबार से तो किया जा सकता है लेकिन वो बेहिसाब देने वाला है। सुभान मालिकुल मुल्क बहुत बेहिसाब देने वाला है। और एक रोज़ा अगर छूट जाता है जी जी तो किसी वजह से बग़ैर उज़्र शरई के हम रोज़ा तर्क कर देते हैं जी तो गैर रमज़ान में उसको अगर हज़ार रोज़े भी अगर रहेंगे तो उसका जी उसकी बराबरी या उसके उसके बराबर में हम नहीं ला सकते। उसका जो सवाब एक रोज़े का सवाब रमज़ान शरीफ में है जी और मैं कराम के हवाले से के तफसीर के हवाले से जी कि वो दीगर महीनों के दिनों में जो रोज़ा रखा जाता है अगर हज़ार रोज़े भी रहें तो उसके उसके सवाब की बराबरी नहीं कर सकते जी। बहुत तो इसमें यह होता है कि आदमी के नफ्स का तस्किया होता है जी। जब नफ्स मुज़क्का हो जाता है जी तो उस पर ऐसे असरात मुरतब होते हैं कि रास्ता खल्ब की तरफ खुलता है जी। सुभान अल्लाह। तो जब खल्ब की तरफ खुलता है तो वो उसमें दाखिल होता है और उसके बाद खल्ब उसका मुसफ़ा हो जाता है जी। जी बहुत खल्ब की का तस्फिया होता है। देखिए तस्किया नफ्स हुआ फिर उसके दूसरा दर्जा तस्फिया खल्ब हुआ जी। तस्फिया खल्ब से खल्ब मुसफ़ा हो जाता है जी। जी खल्ब पाक हो जाता है बेशक बेशक। तो जब दिल पाक हो जाता है तो उस दिल के बारे में कहा गया है कि ये ऐसा दिल है कुलूबुल मोमिनीन अर्शुल्लाह ताला जी। कि मोमिन का खल्ब दरअसल अल्लाह का अर्श है। सुभान अल्लाह सुभान। तो जब मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श बन जाता है तो उसके लिए आगे का मुकाम ऐसा खुलता है कि तजलिए रूह के लिए उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं जी। जी और जब तजलिए रूह में कदम रखता है तो उसकी रूह जब मुतजल्ला होती है जी तो फिर परवरदिगार आलम के दीदार से वो मुशर्रफ होता है। सुभान अल्लाह सुभान। तो एक तो ये है कि रोज़े के लिए दो फरहतें दी गई हैं, एक तो कि उसको इफ्तार के वक्त में जो है उसको फरहत मिलती है खुशी मिलती है जी और दूसरी जो खुशी उसको मैसर आती है वो दीदार रब के लिए होती है। सुभान अल्लाह सुभान। तो इस तरह से रोज़े से हमारे आमाल में सुधार होता है जी और रमज़ान शरीफ की बरकत से जब कोई मुसलमान रोज़ा रखने की आदत डालता है या रोज़ा रखता है जी अब ये भी देखिए कि अल्लाह का कितना बड़ा करम है जी। वाकई करम है ख़ास करम है। हज़रत ने इशारा दिया कि असोम ली व अना अजज़ा भी या व अना उजज़ा भी दोनों खिरतों से आपने बतलाया कि मैं खुद उसकी जजा हूँ या मैं उसकी जजा देने वाला हूँ जी। जी बहुत। तो दोनों मानों में हमारे पास हम देखते हैं कि उलमाए शरीयत भी और उलमाए तरीक़त भी इसको लेते हैं जी कि रोज़े में ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला का खौफ गालिब रहता है जी। आम इंसानों के साथ भी रहता है और यहाँ तक कि आपने गौर किया होगा कि अगर 8 साल का बच्चा भी रोज़ा रहता है जी तो उसको आप देखिए कि कितनी भूख लगती है कितनी प्यास लगती है जी। उतनी प्यास के बावजूद वो पानी की तरफ कदम नहीं बढ़ाता है जी। हालांकि उसको ये ऐसे मौके नसीब आ सकते हैं कि किसी जगह जा करके छुप करके वो पानी पी सकता है पानी पी सकता है लेकिन वहाँ भी उस 8 साल के बच्चे पर भी अल्लाह का खौफ जो है गालिब रहता है तो वो खौफ ही उसको जो है बचाता रहता है जी। तो रोज़े से एक पैगाम हमको ये भी मिलता है कि खौफ इलाहिया जी का इससे हुसूल होता है खौफ इलाहिया हमको हासिल होता है। और आप देखते चले जाएँ कि एक खौफ इलाही अगर किसी के पास आ जाता है जी खौफ इलाही अगर एक चीज़ आ जाती है तो सारे काम उसके सब अच्छे हो जाते हैं जी। सुभान अल्लाह। हर वक्त कदम बढ़ाता है तो बहुत ये सोच कर बढ़ाता है कि यहाँ अल्लाह देख रहा है बहुत खूब डॉक्टर यहाँ अल्लाह जो है देख रहा है जी। जी तो अल्लाह के अल्लाह की निगहबानी जी अल्लाह की निगरानी के दायरे में और जब रहता है जी तो फिर उस क्या कहने कि वो उसकी इस तरह से तरबियत हो जाती है कि एक महीना मुकम्मल जब तरबियत हो जाती है और इस तरबियत की आदत हो जाती है तो बाकी के 11 महीनों पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं जी। जी बेशक। और अगर इसके बावजूद अगर किसी के यहाँ 11 महीने में कोई तब्दीली नहीं आ रही है जी तो मालूम हुआ कि वो एक महीने में सही माना में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने में कहीं कोताही हो रही है या रोज़े की हालत में कोई ना कोई कोताही ज़रूर हो रही है तो हम एहतसाब करें। हज़रत ने जो इशारा किया कि एहतसाब ज़रूरी है जी
तो एहतसाब में होता यह है कि कैलकुलेशन में हमें मालूम होता है कि हमारी हमसे कहाँ गलती हुई है जी। जब हमें इस बात का पता चलता है अल्लाह के करम से नबी पाक के सदक़े में कि हमारी गलती का, हमारे तसामों का और हमारे लर्जिशों का जब एहसास होता है जी, तो उस एहसास को अगर हम खौफ इलाही के साथ शामिल करते हैं जी, तो वो खौफ इलाही उसको उस एहसास को बेहतर एहसास में तब्दील करने का के लिए मुआमिल साबित हो सकता है जी। बेशक बेशक। तो दिल का जो मामला अभी मैंने बताया कि जैसा कि हजरत ने कुछ बुज़ुर्गों के हवाले से बात कही जी, तो जब दिल हमारा पाक और साफ़ हो जाता है, मुसफ़ा हो जाता है, तस्फिया कल्ब से दिल मुसफ़ा हो जाता है, साफ़ होता है, आईने के मानी होता है जी। बेशक। तो सूफिया के हवाले से हम अर्ज़ करना चाहेंगे कि जब ज़रा गर्दन झुका ली, देख ली जी, तो दीदार का जो लुत्फ़ है वो यहाँ कल्ब की सफाई में होता है जी, जी। और जब वो कल्ब मुसफ़ा बनकर दीदार इलाहिया का मुस्तगी बन जाता है, तो मौलाना रूम के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि दिल बदस तावुर के हज अकबरस्त जी, जी। ऐसा दिल जब किसी के हाथ में आ जाता है तो वो हज अकबर है। हम आम तौर पे देखिए देखते हैं कि हज अकबर को हम जुमा के दिन अगर योम अरफा वाक़ होता जी, है तो हम समझते हैं कि शायद ये यही जो है हज अकबर है अकबर। लेकिन असल हज अकबर की रूह ये है कि हमारा खल्ब उस तरह से मुतवज्जा इल्लाह हो जाए, मुतवज्जा इल्लाह हो जाए, इलल हक हो जाए और उसका दीदार करने के लायक उसका दिल बन जाए, तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि ऐसा दिल दिल बदस्तावुर के हज्जे अकबरस्त, सद हजारा काबा एक दिल बेहतरस्त। सुभानअल्लाह। हजार मरतबा काबे को जाकर आया जी, लेकिन क्या देख कर आया? काबे की दीवारें देख कर आया जी, काबे वाले को नहीं देखा जी। मकान तक गया, मकीन से नहीं मिला जी। जी। मकान तक गया, मकीन से नहीं मिला, तो कोई फायदा नहीं। हजार मरतबा भी जाकर आया तो कोई बात नहीं जी। काबा बुनगा है खलील आजरस्त जी, काबे की बुनियाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उनके साहिबजादे ने मिट्टी और पत्थर की बुनियाद पर रखी जी। तो काबे की जो बुनियाद है और काबे की जो बनावट है, काबे की तैयारी है, काबे की दीवारों को उठाना है जी, वो तो एक मखलूक ने काम किया है जी। बेशक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे पैगंबर हैं लेकिन अल्लाह की मखलूक हैं जी। बेशक। तो अब ये बोल रहे हैं कि हजार मरतबा काबे को जाने से बेहतर है एक मरतबा दिल को और दिल की उस हकीकी कैफियत से वाकिफ हो जाए जी। तो ये हज़ार मरतबा काबे को जाने से बेहतर इसलिए है कि काबे की बुनियाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मिट्टी और पत्थर से डाली, लेकिन दिल दिल तो खालिक ने बनाया है। सुभान अल्लाह। दिल गुजरगाह है जलील अकबरस्त, अरे उसका तो यहाँ हर आन आना और जाना है जी। जी बेशक। तो जब देख खल्ब को जब हम पहचानते हैं और खल्ब हमारा इस तरह से मुसफ़ा हो जाता है, तो रमज़ान शरीफ हमारे लिए खल्ब के मुसफ़ा बनाने का बेहतरीन जरिया साबित होता है। सुभान। ये एक बहुत बड़ा इसके लिए पैगाम भी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह नादरीन, आज के हमारे मेहमान काफ़ी अच्छे अंदाज़ में कुरान व सुन्नत की रोशनी में आप समात कर रहे थे। कितनी प्यारी प्यारी बातें ईद के मौके पर कि इंसान किस तरह अपने दिल को साफ़ रखना चाहिए, और जब और डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अगर दिल साफ़ हो जाए तो खुदा का दीदार हो जाता है। और इसमें और एक आपने बात कही कि रोज़े की हालत में भी जो है बंदा जब रोज़े रखता है रोज़े के साथ अल्लाह की इबादतों से करीब हो जाता है, तो उस वक्त भी अल्लाह जो है अपना दीदार नसीब फरमाता है। तो नाज़रीन कराम, अब आइए हमारे प्रोग्राम में हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करेंगे इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएँ।